हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने FLN का पार्ट 5 देखा, आपको बहुत मज़ा आया होगा ना, और आपने नई चीज़ें सीखी भी होंगी। सेम ऐसे ही आज मैं एक फिल्म से नई चीज़ आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों की पढ़ाई भी हो, इंजॉयमेंट भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस टॉपिक को पढ़िए, क्या लिखा है? 12 खड़ी। ठीक है, आज जब आप ये वीडियो अपने मम्मी पापा के साथ या अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, किसी के भी साथ देख रहे होंगे, तो वो लोग देख के जैसे ही देखेंगे कहेंगे, अरे ये तो हम पढ़ते थे, हमारे ज़माने की चीज़ है। तो वैसे ही आप जान पाएंगे बच्चों कि अगर आज हमारे पेरेंट्स का, हमारे गार्जियन का अगर बेसिक चीज़ें स्ट्रोंग हैं, तो उसका है कि प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षण पद्धतियाँ थीं, वो अनोखी थी। बार बार चीज़ों का अभ्यास करा के चीज़ें माइंड में बैठा दी जाती थी, और उसका नतीजा ये होता था कि वो चीज़ें ताउम्र लोगों को याद हुआ कर हो जाया करती थी। और जैसे ही वो चीज़ें सामने आती थी, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ सामने आती थी, तो तुरंत उसकी कैलकुलेशन, तुरंत उसका आंसर वो लोग दे दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में बच्चों, आप लोगों ने ये बेसिक चीज़ों को याद करना, उनको अच्छे से समझना, ये है वो छोड़ दिया है। इसीलिए जो आपकी पढ़ाई के प्रति कमजोरी कहें, या फिर चीज़ों को ना समझने के लिए आपका उत्साह का ना होना, ये सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपकी जो नींव है वो कमज़ोर है। सो टू स्ट्रेंथन योर बेसिक फाउंडेशन, योर बेसिक नॉलेज, आई एम हियर विद यू, डोंट वरी, योर पूजा मैम इज ऑलवेज देयर। सो स्टार्ट करते हैं 12 खड़ी। प्रीवियस वीडियो में आपने जाना कि जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स थे, हिंदी के अक्षर थे, उनकी इंग्लिश में मीनिंग कैसी होती है। सेम ऐसे ही अगर कोई भी अक्षर मात्राओं के साथ आता है, तो हम उसकी इंग्लिश एक्चुअल में कैसे बनाएंगे। सपोज दैट कोई भी वर्ड है, एक कोई नेम आया, जैसे अनीता। सपोज दैट आप लोगों में से कई लोगों की मम्मियों का नाम भी होगा ना अनीता। ओके, तो अनीता को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे हम जाने कि आ से क्या बनता है नाम। ना से हमने जानना था कि ना से एन बनता है, लेकिन अगर उसमें बड़ी की मात्रा लग जाए तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे। ता है, ता से टी बनती है, हम जानते हैं, लेकिन उसी ता में अगर आ का डंडा लग जाए तो फिर हम उसको कैसे बनाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों का समाधान है हमारी 12 खड़ी। इसमें हम अक्षरों को छोटी मात्रा के साथ, बड़ी मात्रा के साथ, किस टोन में प्रोनंशिएट करते हैं, और उसका जो है इंग्लिश में किस तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क से। क की जो 12 खड़ी है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसको 12 खड़ी क्यों बोलते हैं। ये जो क शब्द है, क अक्षर है, उसको मात्राओं के साथ 12 तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, ये इसीलिए ये 12 खड़ी है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तरीके से का वर्ड का, का लेटर का एक्सप्रेशन जो हो रहा है, इसीलिए इसको 12 खड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले क, जब का छोटा होता है, कोई मात्रा नहीं होती, तो हम उसको पढ़ते हैं क, यानी सिंपल के उसका एक्सप्रेशन रहेगा। फिर का, जब का में आ का डंडा लग जाए, ये देखिए आ की मात्रा जो है, ये देखिए का में आ की मात्रा लग गई है ना, तो उसको पढ़ेंगे के और ए, यानी क का। फिर छोटी मात्रा को हम छोटे रूप में प्रोनाउंशिएट करेंगे, और जो बड़ी मात्रा होगी हम उसका प्रोनाउंशिएशन जोर देकर, यानी जोर से करेंगे। की यानी छोटी का साउंड आ रहा है, तो के साथ हम क्या यूज करेंगे, आई, क्योंकि छोटी ई से आई होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले उसे देखिए, फिर इस वाली वीडियो को देखिएगा, तो आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। फिर है की, यानी का में बड़ी की मात्रा, जैसे अनीता। ठीक है, अनीता, अगर हम सपोज करिए इसको लिख दे अनीता, तो ये किसका, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। इट शुड बी प्रोनंशिएट लाइक अनीता, नॉर्मली हम बोल देते हैं अनीता, बट इट शुड बी, अगर हम इसको स्प्लिट करके पढ़ेंगे, दैट इज अनीता। ओके, क्लियर हो गया सबको? तो फिर क्या आया हमने, का, की, अब आया जैसे कुमारी, कुमारी होता है ना,
अब इसको अगर हम कर दें बड़ऊ की मात्रा तो कुमारी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, सही क्या है? कुमारी। तो कु यानी, और छोटा ऊ से क्या बनता है? छोटा ऊ से बनता है यू, और का से बनता है कास, बनता है के से, तो के यू कु। अकू के, काए यानी ए की मात्रा से बन गई ई, और ए की मात्रा से बन गया ए आई। ठीक है, को काओ कं कहा, इस तरह से आपने जाना। का की कु कू के कै को काओ कं कहा। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी भी इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज़ ये मैंने आपको पूरी पढ़ के दिखा दी है, बाकी के ख ग घ या इन सबको आप पढ़ के देखिए, एंजॉय करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसको पढ़ के कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं। ये तो बच्चों कवर हो गया, और वैसे ही आप च चा ची ची चू चू ऐसे करके पूरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और बाकी सब चीज़ों का भी बारह खड़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे माँ का जो है वो पूरा बारह खड़ी लिख के दिखाएंगे, और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आपको ये चीज़ पढ़ के मज़ा आया या नहीं, आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई या नहीं। ठीक है, ओके देन, चल बाय बाय, खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगाइए, एंजॉय करिए और खूब खुश रहिए। बाय बाय।